स्टूडेंट्स होप सो यू आर फ़ाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर फाइव ऑफ क्लास नाइन फिज़िक्स ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन जो हमारे पास न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की तरफ से यूनिट नंबर वन का प्रॉब्लम नंबर फाइव करते हैं प्रॉब्लम नंबर फ़ाइव में कह रहे हैं वॉट इज़ दिच एंड लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ वन मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियल स्केल आर ट्वेंटी कहते हैं कि आपने वर्नियल कैलीपर की पिच भी निकालनी है और काउंट भी निकालना है जबकि हमारे पास जो वर्नियल कैलीपर में स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे उसकी वैल्यू हमारे पास वन मिलीमीटर दी हुई है और टोटल जो डिविजनस हैं वर्नीयल स्केल पे वो हमारे पास ट्वेंटी हैं तो आपने क्या निकालना है इसकी पिच भी निकालनी है और इसका लीस काउंट भी निकालना है तो सोलूशन में मैंने लिखा है एज़ वर्नियल कैलीपर हैज नो पिच वर्नियल कैलीपर की हमारे पास पिच नहीं होती हमारे पास स्क्रू गेज की पिच होती है तो हमारे पास ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला था तो आपने लिखना है कि एज़ वी नो दैट वर्नियल हैज़ नो पिच अब दूसरी बात उसने कही भी है कि आपने क्या निकालना है लीज काउंट निकालना है तो हमें पता है लीज काउंट का फार्मूला था स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ डिवीजंस ऑन वर्नीय स्केल जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल पे और टोटल कितनी डिवीजंस हैं हम जो वर्नियल क्लीपर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वर्नियल स्केल है तो वो हमारे पास ट्वेंटी हैं आपको पता होना चाहिए वर्नीयल क्लीपर के, के हमारे पास दो स्केल्स होते हैं एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियल स्केल होता है मेन स्केल हमारे पास जो होता है वो फिक्स होता है जबकि वर्नियल स्केल हमारे पास मूवेबल होता है मीनस मेन स्केल को हम मूव नहीं करवा सकते जबकि वर्नियल स्केल को हम इजीली मूव करवा सकते हैं जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसने बताया हुआ है नमेरिकल में कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी थी वन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियल स्केल पर कितनी है ट्वेंटी जब वन को ट्वेंटी से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव मिली अब आप अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे ये मीटर मैंने लिखा हुआ है मिलीमीटर आएगा अब इसे अगर सपोज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हमें पता है एक सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर होते हैं मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो टेन से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है एक सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर होते हैं टेन से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा अच्छा बेटा बी पार्ट में उसने पूछा वह स्क्रू गेज इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज जीरो पॉइंट फाइव मिली कहते हैं कि हमारे पास स्क्रू गेज है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली है एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज 50 डिवीजन जो मूवेबल स्केल है जो सर्कुलर स्केल है स्थिर गेज में हमारे पास एक मेन स्केल होता है एक सर्कुलर स्केल होता है मेन स्केल फ़िक्स होता है जबकि सर्कुलर स्केल हमारे पास मूवेबल होता है तो उसने कहा है कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर है जिसकी हमारे पास पिच जीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर है और मूवेबल स्केल जो सर्कुलर स्कील है उसकी डिवीजन हमारे पास कितनी है फिफ्टी डिवीजन सबसे पहले मैंने लिख दिया है पिच किया है द डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ वन मिलीमीटर कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो चूड़ियाँ बनी हुई है, हैं एक दो तीन चार इन सारों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एक मिलीमीटर का होगा अगर हमारे पास जो हम स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं मोस्टली लेबॉर्ट्री में जिसकी डिवियंस हंड्रेड होती हैं और उनके दरमियान ये जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक मिलीमीटर का मीन्स कि अगर मैं इसको घुमाऊँगा बंद करने के लिए स्क्रू गेज को तो वो ज़ीरो से सपोज़ मैं घुमाना शुरू कर रहा हूँ तो वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा मीन्स ज़ीरो से हंड्रेड तक एक चक्कर कंप्लीट करेगा क्योंकि टोटल डिवीजनस हंड्रेड हैं इस दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक मिलीमीटर का मीन्स कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो स्क्रू गेज का यहाँ पे सर्कुलर स्केल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वन मिलीमीटर mm का डिस्टेंस कवर किया तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये इसकी पिच है द डिस्टेंस बिटवीन कन्जेक्टिव थ्रेड ऑन द स्पिडल इज़ वन मिली ये जो एक चक्कर कंप्लीट करने में उसने डिस्टेंस कवर किया एक मिलीमीटर mm का वो इसकी क्या पिच है अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल में डिवियंस हंड्रेड हों अब जब के इसने बताया कि डिवेंस हमारे पास कितनी है फिफ्टी डिवींस हैं तो वो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ज़ीरो पॉइंट फाइव का तो हमारे पास ये ज़ीरो पॉइंट फाइव क्या है इसकी पिच है और सर्कुलर स्केल में जो डिविजन्स हैं वो हमारे पास क्या हैं ये बता रहा है कि इसकी जो सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजनज हैं वो फिफ्टी हैं तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम जो मोस्टली लेबॉर्ट्री में स्क्रू गेज यूज़ करते हैं उसकी टोटल डिवीजनस हंड्रेड होती हैं और हमारे पास वो डिस्टेंस कितना कवर करता है जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है वो डिस्टेंस कवर करता है वन मिलीमीटर इस केस में उसने बताया हुआ है डिस्टेंस हमारे पास जो कवर कर रहा है वो आधा आधाकार है क्योंकि डिवीज भी हमारे पास वैसे तो हंड्रेड होती हैं फिफ्टी हैं तो हमारे पास वन मिली का आधा क्या है जीरो पॉइंट तो हमारे पास जस्ट हमने लीज काउंट फाइंड करना था तो लीस काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गे डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ डिवीज ऑन सर्कुलर स्केल हमारे पास पिच क्या है ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर है नंबर ऑफ़ डिवीजन कितनी है सर्कुलर स्केल पे फिफ्टी हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव को जब फिफ्टी से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मिली मीटर लीज़ कहूँ अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे मैंने पहले भी बताया पिछले पार्ट में कि इसको टेंथ से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है वन एवर वी नीड टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इंटू बिगर यूनिट वी नीड टू डिवाइड तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे टेन से क्योंकि एक सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर mm होते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन को टेन से किया तो हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि हमारे पास लीज काउंट. अब हम नोमेडिकल प्रॉब्लम नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं लुक एट द मयरमेंट ऑफ वर्नियल के कह रहे हैं हमारे पास एक वर्नियल कैलीपर है जिसमें आपने बताना है कि मेन स्केल रीडिंग उसकी क्या है कौन सी लाइन हमारे पास वर्नियल स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की और हमारे पास टोटल रीडिंग क्या है वर्नियल कैलीपर की अब ये डायग्राम मैंने बुक से नहीं उठाई मैंने डायग्राम ख़ुद बनाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं बुक में इतनी एक्यूरेट डायग्राम नहीं थी सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि वर्नियल के लिपर में दो स्केल होती हैं एक ये मेन स्केल होता है और एक वर्नियल स्केल होता है जो मेन स्केल होता है वो हमारे पास फिक्स होता है नॉन मूवेबल होता है जबकि वर्नियल स्केल हमारे पास मूवेबल होता है जिसे हम इजीली मूव करवा सकते हैं और वर्नियल स्केल के ऊपर हमारे पास टेन डिवीजनस होती हैं अब उसने कहा हुआ कि आपने मेन स्केल रीडिंग बतानी है तो आप देखें ये हमारे पास ऊपर स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज़ जो हैं ये मेन स्केल की वैल्यूज़ हैं और ये जो नीचे हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास कौन सी वैल्यू हैं ये वर्नियल स्केल की वैल्यूज़ हैं अब ये देखिए हमारे पास ये जो मेन स्केल की वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो पॉइंट फोर ये ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और उसके बाद वन आ गया इसी तरह टू थ्री अब मेन स्केल रीडिंग आपने कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं ये हमारे पास जो नीचे वाली लाइंस हैं ये वर्नियल स्केल की लाइंस हैं वर्नियल स्केल की टेन डिविजन्स हैं देखें जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव टोटल लाइन दस हैं अब आपने रीडिंग कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं वर्नियल कैलिपर में से तो देखें आपने वर्नियल स्केल ये है इसका यह जीरो है इससे पहले हमारे पास मेन स्केल की कितनी लाइंस हैं मीन इसके जीरो है ज़ीरो इससे पहले कितनी लाइंस हैं एक दो तीन तो मैंने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो है इससे पहले सात लाइंस होती तो हमारे पास मेन स्केल की जो वैल्यू आती या रीडिंग आती ज़ीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर ये जीरो वन यर स्केल का है इससे पहले हमारे पास सपोज मेन स्केल की होती टू पॉइंट थ्री तक मीन्स यहाँ पे जीरो वन टू टू पॉइंट थ्री आता आगे टू पॉइंट फोर फाइव सिक्स तो हम कहते मेन स्केल रीडिंग की जो वैल्यू है टू पॉइंट थ्री है इस केस में जो डायग्राम है देखें जीरो ये लाइन है ज़ीरो की इससे पहले कितनी लाइन है मेन स्केल की जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री तो मैंने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ये आ गया दूसरा बुक में जो उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ इट्स को इंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियल स्केल इसका क्या मतलब है ऊपर जो हमारे पास मेन स्केल की जो लाइंस हैं और नीचे जो वर्नीय स्केल की लाइंस हैं आपने ऐसी लाइन देखनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइनसाइड हो वर्नियल स्केल की ऐसी लाइन जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइनसाइड हो तो आप गौर से देखें कि मैंने कैमरा भी पास कर दिया है कि हमारे पास ये जो है पहली लाइन कोइंसाइड नहीं दूसरी भी नहीं है तीसरी भी नहीं है फोर्थ भी नहीं है फिफ्थ भी नहीं है ये जो सिक्स लाइन है हमारे पास वन ईयर स्केल की ये इसके साथ कोइंसाइड है ये देखें सेवन भी नहीं है एट भी नहीं है नाइन भी नहीं है टेन भी नहीं है तो हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइन कौन सी है इसकी कौन सी लाइन है ये देखो छठे नंबर वाली है, एक दो तीन चार पाँच सिक्स तो मैंने लिख दिया कोइंसाइडिंग लाइन सिक्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाए कि हमारे पास ये तीसरी लाइन एक दो तो, तीन ये तीसरी लाइन ऊपर इसके साथ कइनसाइड हो मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे हो तब वर्नियल स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी कोइंसाइडिंग लाइन क्या आ जाएगी थ्री तो इस केस में आप गौर से देखिए हमारे पास ये जो वर्नियल स्केल की लाइंस हैं डिवीजन दस हैं तो कौन सी लाइन इसके साथ मैच कर रही है सिक्स वाली ये देखें एक ही पॉइंट पे है एक ही लाइन है मैचिंग है बाकी इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं है तो वर्नियल स्केल की जो वनसाइडिंग लाइन है मैंने सिक्स लिख दिया है लिख दिया है कॉन कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियल के टोटल रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीज काउंट ऑफ वर्नियल के तो मेन स्केल रीडिंग क्या थी जीरो पॉइंट थ्री वर्नियल स्केल रीडिंग क्या थी जो कोन लाइन थी सिक्स और मल्टीप्लायर्स उसको कर दिया लीज काउंट से वर्नियल के लीपर का लीज काउंट है जीरो पॉइंट जीरो वन ये इधर लिखना था वर्नियल स्केल की वो लाइन जो कोइंसाइड हो रही है कोइंसाइडिंग लाइन जीरो पॉइंट जीरो वन को सिक्स से किया ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री तो हमारे पास आ गया ज़ीरो पॉइंट थ्री सिक्स सेंटीमीटर टोटल रीडिंग आ गई है स्टूडेंट्स अगेन सुन लें जो हमारे पास मेन स्केल की जो वैल्यूज़ होंगी ना जो वर्नियल स्केल का जीरो से पहले जितनी वैल्यूज़ होंगी वो उसकी मेन स्केल रीडिंग होगी जो लाइंस टच होगी नीचे वाली और ऊपर वाली कौन सी ऐसी एक लाइन होगी जो टच होगी वो कोइंसाइडिंग लाइन हो जाएगी इस केस में सिक्स था फिर ये फार्मूला थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बुक में डायग्राम इतनी एकूरेट नहीं थी तो मैंने आपको समझाने के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सेम प्रोसीजर यही होगा हाँ बेटा प्रॉब्लम नंबर सेवन की तरफ जाते हैं लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज जैसे पीछे प्रॉब्लम सिक्स में वर्नियल के में हमने तीन चीज़ें बतानी थी ऐसे ही स्क्रू गेज में तीन चीज़ें बतानी हैं कि उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है कौन सी लाइन कोइनसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल के साथ और टोटल रीडिंग क्या है इसी तरह आप देखें हमारे पास सर्कुलर स्केल ये हमारे पास है इसमें टोटल डिवीजन 50 हैं ये मेन स्केल है मेन स्केल में उसने बताया हुआ कि इसकी जो लाइंस हैं मिलीमीटर mm में हैं ये देखें जीरो जीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर वन मिली मीटर वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव थ्री इसी तरह हमारे पास 6.5 तक इसकी मेन स्केल रीडिंग की वैल्यूज़ आ गई हैं कि 6.5 तक जब हमने देखा तो ये सर्कुलर स्केल मूव कर चुका था तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं सिक्स थी सिक्स अगर एक और लाइन होती तो हम लिखते मेन स्केल रीडिंग सेवन है इस केस में हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 6.5 मिलीमीटर mm फाइव के 6.5 मिलीमीटर mm फाइव तक ये सर्कुलर स्केल मूव कर चुका था तब हमारे पास यहाँ से हमने देखना है कि सिक्स के बाद 6.5 आ गई अब आसान सी बात है कोई स्इडिंग लाइन देखनी है तो ये देखें ये फोर्टी था 41, 42, 43, 44, 45 अब ये देखें ये लाइन इधर आ रही है तो ये कौन सी लाइन बन रही है फोटी तो कोई साइडिंग लाइन फोटी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होता जीरो ज़ीरो पॉइंट और वन के बाद ये आ जाता तो हम कहते हैं कि एक मिलीमीटर इसने मेन स्केल ने मूव मेन स्केल की रीडिंग थी सर्कुलर स्केल एक मिलीमीटर मूव कर चुका था तो इस केस में सिक्स पॉइंट फाइव तक कर चुका था तो हमने लिखा सिक्स पॉइंट फाइव तो टोटल रीडिंग क्या थी फार्मूला वही है मेन स्केल रीडिंग प्लस उस केस में वर्नियल स्केल था ये कौन सा स्केल है सर्कुलर स्केल रीडिंग या मैंने स्लैश लगा के कौन साइडिंग लाइन मल्टीप्लाई बाय लीज काउंट उसके इसमें वर्नियल के लिएपर था स्क्रू गेज की बात हो रही है तो स्क्रू गेज का लीज काउंट लगाना है मेन स्केल रीडिंग क्या है सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है सर्कुलर स्केल जो कोई साइडिंग लाइन हुई है वो क्या है फोटी सिक्स लीज काउंट स्क्रू गेज का क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन मिली मीटर इसको जब मल्टीप्लाई किया ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स इन दोनों को ये भी मिली मीटर है ये भी मिली मीटर आ चुका है दोनों को ऐड किया तो सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स मिली मीटर टोटल रीडिंग आ गई है वही बात है कि यहाँ पे हमने देखना है कितनी वैल्यूज़ ये मूव कर चुके हैं तो सर्कुलर स्केल हमारे पास कितनी रीडिंग चला गया था 46 तो ये 46 आ गया इस दौरान मेन स्केल की वैल्यूज़ क्या आ गई थी 6.5 तो 6.5 जो भी अब वैल्यूज सपोज के क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसने कहा फ़ोर और फोर के बाद यहाँ पर फोर तक होता तो हम कहते मेन स्केल रीडिंग फोर है और वैल्यूज सपोज यहाँ पर आती फोटी मीन थर्टी फाइव थी सपोज़ तो यहाँ पे थर्टी नाइन तो ये लाइन जो कौन साइड रही थी सपोज फोर्टी होती तो यहाँ पे फोटी आ जाती मेन स्केल रीडिंग इसी तरह लिखना है अगर सर्कुलर स्केल है तो आपने लीज काउंट स्क्रू गेज का डालना है वर्नियल स्केल है तो वर्नियल नीयल के लीपर का डालना है होप सो आपको ये नूमेरिकल समझ आ गया होगा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़